और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचा देखते होंगे, और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग ना करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5,000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी, इतना सामर्थ्य है। साथियों, बदलते हुए समय में आज भारत में भी परिवर्तन की एक तेज हवा चल रही है। बीते 10 वर्षों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो अभाव में थी, वंचित थी, वो असुविधाओं से जुड़ी है। अब वो उन सारी मुसीबतों से निकल करके सुविधाओं के साथ जुड़ रही है, नए अवसरों से जुड़ रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इन करोड़ों लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। आज भारत के भीतर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ आज न्यू मिडिल क्लास है जो गरीबी से बाहर निकल चुका है, जो नया नया गरीबी से बाहर निकला है वो अपने जरूरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास है जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति पर, अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है। इसलिए हमें भारत के मिडिल क्लास की पोटेंशियल को समझना होगा। उत्तराखंड में समाज की यह शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है। साथियों, मैं आज उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट है जो लोकल हैं लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बर्तन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन वहां बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। भारत में तो हमारा विश्वकर्मा साथी ऐसे अनेक बेहतरीन प्रोडक्ट पारंपरिक रूप से बनाते हैं। हमें स्थानीय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्व को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा। और इसलिए
ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आप लेके आए हैं उसे मुझे एक व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है मेरे लिए। यहां बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद मेरे एक संकल्प के विषय में पता होगा, क्योंकि ये संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सीधा बेनिफिट शायद न दिखता हो, लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है। मेरा एक संकल्प है आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करना होगा। हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो, हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के सिद्धांत पर हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े हमें अब इस पर फोकस करना है। केंद्र सरकार ने पीएलआई जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है, इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है।